उपमंडल बगाना के डेरा बाबा जोगी पंगा से 500 मीटर की दूरी पर बस वह हादसा देखने को मिला कि हर किसी की रूह कांप गई। एक तरफ राज्य सरकार बेसहारा गौवंशों को संरक्षण देने की बात कर रही है और दूसरी ओर गौवंशों को संरक्षण देने की बात कर रही है और दूसरी ओर लोग सरकार के आदेशों की अवहेलना करके गौवंश पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। बताते चलें कि कुटहल बीस क्षेत्र के धार्मिक स्थल डेरा बाबा जोगी पंगा के 500 मीटर की दूरी पर शुक्रवार देर रात किसी अनजान गाड़ी वाले ने 5 बैलों को पहाड़ी से गिरा दिया है, जिससे 4 बैलों की मौत हो गई है। आज जिला ऊना के कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के जोगी पंगा मंदिर के समीप, यहाँ जो एक गांव है पिपली के समीप, पिछली रात 5 बैल कोई अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर फेंके गया, जिनमें से 4 बैल मरे हुए थे और 1 बैल अभी जिंदा है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य किसी भी मानव द्वारा किया गया, बहुत ही घृणित कार्य किया गया। मैं आम जनमानस से ये निवेदन करूँगा कि ये जो हमारा देसी बेसहारा या तो कोई भी बेसहारा जो गौवंश है, इनको गौशाला में पहुंचाने की कृपा करें, गौ सेंचुरी में पहुंचाने की कृपा करें। अगर ये व्यवस्था ठीक समय पर नहीं हो पाती है तो विभाग से मिलकर इनके बारे में इनको बांधने का प्रयास करें। ये जो निंदनीय जो कृत्य किसी व्यक्ति ने किया, इसमें बुरी तरह से इन पशुओं को, बेजवान पशुओं को मारा गया है। हो सकता है कि इनको या करंट के माध्यम से मारा गया या कोई जहरीला इंजेक्शन देकर इनको मारा गया, अभी ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। परंतु इनको इतनी बेरहमी से मारा गया, अगर हम इनकी, जब मुझे पता चला सुबह सवेरे ही पता चला और मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा, जब मैंने देखा तो ऐसा दृश्य दर्दनाक दृश्य देखा नहीं जा रहा था। इतने घृणित कार्य, इतने घृणित काम जो किसी ने, मानव ने किया, बहुत ही निंदाजनक है। और एक बेसहारा जो गौवंश, जो बैल जो बच गया, उसका अभी वेटरनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, उनकी टीम को यहाँ पर बुलाया गया, उसका वो उपचार कर रहे हैं, उसको सही पोजीशन में है वो, हालांकि उसका कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर नहीं है, कहीं ना कहीं उसके शरीर पर चोटें आई हैं, सहम गया है, उसका इलाज चल रहा है, तो वो तो उसके पूरी तरह से बच जाने की उम्मीद है। परंतु जो 4 बैल, जो भारी भरकम बैल, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो कि पंजाब क्षेत्र से यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में ऐसे बैल, ऐसे बेसहारा पशु हमने कहीं नहीं देखे। ये भारी भरकम जो बैल थे, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के क्षेत्र में जैसे कोई रेड़ा या गड्ढा चलाने के काम में इन बैलों को प्रयोग किया जाता है, ये उस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते रहे होंगे। और जब इनका पूरी तरह से उपयोग हो गया तो किसी बेरहम ने, निर्दयी ने इनको जहरीला इंजेक्शन देके या कहीं करंट लगा के, ये अभी ये नामालूम है कि वो किसे कैसे मारा गया, पर इनको बड़ी बेरहमी से मारा गया। और ऐसा भी लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको किसी भारी मशीनरी से ही किसी बड़े ट्रक में लादा गया हो, क्योंकि इनके शरीर पे जो निशान हैं वो बड़े गंभीर निशान भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मशीनरी से इनको लादा गया हो। और यहाँ पर जो कि ये जंगली हमारा क्षेत्र है, जोगी पंगा मंदिर के नज़दीक का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा जंगली एरिया है, तो यहाँ पर सुनसान जगह पर इनको फेंक दिया गया। मेरी आम जनमानस से यही अपील है कि ऐसे निंदनीय कार्य को अंजाम ना दें। इनको, ये जो बेसहारा गौवंश है, इनको गौशालाओं में या गौ सेंचुरियों में पहुंचाने का प्रयास करें और प्रदेश सरकार भी इस मामले में पूरी तरह से प्रयास कर रही है। थाना खास में गौ सेंचुरी बनी है, 200 के करीब हमने इस क्षेत्र का गौवंश वहां पर एकदम से रख दिया है और गौशालाओं में भी यहां का गौवंश पहुंचा रहे हैं। अब तो बस चिंताजनक बात यही है कि बाहरी प्रदेश से जो गौवंश रात के अंधेरे में यहां पर छोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए चिंताजनक विषय है। मैं प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर जी से निवेदन करूँगा कि बाहरी राज्यों से आने वाले
रात के समय में आने वाले गौवंश पर वो रोक लगाने का प्रयास करें। बंगाना से विपिन साजन की रिपोर्ट।